हाय फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा, जो घर में फ्राई पैन पे हम बना रहे हैं। बड़े से लेकर बच्चों तक सबको पसंद आती है। पिज़्ज़ा देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे बोलते हैं, वाह पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए घर में ही मैंने बेस तैयार कर रहा है। एक बड़ा कप आटा, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, एक बड़ा चम्मच रिफाइन तेल, शुगर एक छोटी चम्मच, नमक एक चुटकी, सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बड़ा कप मैंने दही रखा हुआ है, उससे आटे को पूरे गूँथ लेंगे। एक लोई तैयार कर लेंगे गूँथ करके। लोई को हमने तैयार कर लिया, थोड़ी सी तेल लगा करके इसको और चिकनाहट कर लेंगे और सॉफ्ट हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आटे को गूंथ करके 10 मिनट के लिए पहले से ही हमने रख लिया था। 10 मिनट के लिए आप अच्छे से ढक करके रख लें। लोई तैयार कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा होने वाला है। बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। फ्राई पैन में अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा और फैला लेते हैं। एक साइड हो गया, पलट लेते हैं। पलट करके धीमी आंच कर लेंगे, तेज आंच पे बेस जल जाएगा। स्पून की सहायता से इसको कट मार देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं इसमें। इसके ऊपर से चीज डाल देते हैं। शिमला पतला पतला पीस काट करके रख लेंगे। आप चाहें तो पनीर, मशरूम, जो भी चाहें आप इसमें रख सकते हैं। ओनियन और शिमला ये रखा हुआ है इसमें। ओनियन रख दिया हमने, इसके ऊपर से भी थोड़ा चीज़ डाल देते हैं, चीज़ की बारिश हो जाए। देखिए कितना बढ़िया से पिघल गया है, कितना अच्छा देखने में भी अच्छा लग रहा है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। चिली फ्लेक्स इस पे से डाल देंगे। कत्तर की सहायता से इसको काट करके और सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।